भाइयों और बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है छुपाती। और एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ तीसरी सीरीज लेके। जी हाँ, तीसरा भाग हम GTA 5 का खेलेंगे। दो वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये तीसरी वीडियो है। तो लास्ट टाइम आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने यहीं पे वीडियो हमने एंड की थी, जहाँ पे हमने लास्ट एक्टिविटी जो हमारी थी वो थी खरीदारी करना बंदूकों की, क्योंकि हमारे पास कोई भी बंदूक नहीं है यार। कोई हमें हमला करे, कोई हम पे मारे, तो हमारे पास बचाव के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए एक भी गन नहीं है। तो हमने, आपको ज़रूर याद होगा कि हमने थोड़ी बहुत बंदूकों की खरीदारी की थी। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे मैप पे एक क्वेश्चन मार्क है, तो वो पहेली मैं सुलझाने जा रहा हूँ। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि वो क्वेश्चन मार्क का पर्पस क्या है। वो क्वेश्चन मार्क मेरे घर के बिल्कुल सामने है, तो मैं तकरीबन वहाँ पहुँच चुका हूँ। बियर के सामने मुझे जाना है। यहाँ पे सामने एक लड़की खड़ी है, इरादे उसके नेक नहीं लग रहे, पता नहीं क्या चाहती है। यो, व्हाट्स हैपनिंग? Your ass don't look too good. लगता आपस में भाई लोगों इनकी बहुत सी गहरी दोस्ती है। जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं उससे नहीं लगता कि ये अनजान बंदे होंगे। अच्छा, तो ये लड़की फ्रैंकलिन ही नहीं है ना, कि माइकल है, आई थिंक ही इज फ्रैंकलिन। तो ये लड़की फ्रैंकलिन को मिशन दे रही है कि इसका एक दोस्त है जेबी, उसका काम है कार्स को टो करना, कि कार्स को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना। वो अवेलेबल नहीं है, तो फ्रैंकलिन का फेवर इसने मांगा है। तो हमें एक छोटा सा, ये जो मुझे लग रहा है कि ये साइड मिशन होगा, तो अगर आपको ये मिशन नहीं करना तो आई डोंट थिंक दैट्स गोना अफेक्ट योर स्टोरी मोड। तो ये आपकी मर्जी है कि आपने मिशन करना है या नहीं करना। मेरे हिसाब से आई थिंक यू डोंट हैव टू डू दिस मिशन, बट वी गोना डू एवरीथिंग। हम स्टोरी मोड खेल रहे हैं तो हम सब कुछ यहाँ पे करेंगे। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ से हमने एक ट्रक उठाना है, बिल्कुल सामने खड़ा है। जहाँ तक कि मेरा ख्याल जाता है कि ये इसके ट्रक के पीछे पुलिस स्टेशन है, सो वी गॉट टू बी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू पिकिंग अप और ड्रॉपिंग ऑफ व्हीकल्स। तो हमें ट्रक लेके कहाँ जाना है? वो मेरे साथ आ रही है कि नहीं आ रही? सबसे पहले यार ये रेडियो बंद करो यार, प्लीज़ इसका कोई ऑप्शन बताओ। अगर भाई लोगों आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि हर एक रेडियो बंद हो जाए, तो प्लीज़ मुझे बताइए यार, क्योंकि इट्स वेरी अनोइंग। जब भी गाड़ी में कोई बैठता हूँ तो सबसे पहले रेडियो चल पड़ता है यार, लाइक व्हाट द फक, आई डोंट वांट टू लिसन टू योर नॉनसेंस रेडियो। अभी क्या करना है? अबे हट जा सड़क से शराबी इंसान, हट जा, बोला था हट जा लेकिन फिर भी नहीं हटा। क्यों पीते हैं यार ये लोग असली में भी, और गेमिंग की दुनिया में भी इतने लोग क्यों पीते? चलो गेमिंग की दुनिया में कोई बात नहीं, पीते हैं तो मार भी खाएंगे, असली दुनिया में मत पिया करो यार, मत पिया करो। हालांकि मेरा घर बियर की दुकान के सामने है, मैं गेम में बात कर रहा हूँ। ओह शिट, असली में भी मेरा घर बियर की दुकान के सामने है, वो आता है, दैट इज अ बिग कोइंसिडेंस यार, मैं झूठ नहीं कह रहा, असली में भी मेरा घर बियर की दुकान के सामने है। तो चलिए, शराब पीने का टॉपिक हम इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। आपने पीनी है आपकी मर्जी, आपने नहीं पीनी है आपकी मर्जी, इट्स योर लाइफ, इट्स योर डिसीजन, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट एनीमोर। तो हमें इस समय ये जो ब्लू सा पॉइंट आपको मैप पे दिख रहा है, हमें यहाँ पे जाना है। आई थिंक इट्स अ ब्लू कलर, मैं श्योर नहीं हूँ कौन सा कलर है, लेकिन चलो ब्लू ही पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे ये गाड़ी उठानी है, और गाड़ी उठानी कैसे है? ओह राइट, देयर यू गो, लेफ्ट कंट्रोल और लेफ्ट शिफ्ट टू मूव द थिंग अप एंड डाउन। अच्छा अच्छा, तो नीचे करके अगर आप ये हुक गाड़ी के पास लेके जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो हुक है गाड़ी के साथ चिपक जाएगा। अभी मैं तेज नहीं चलाना चाहता। अरे बहुत बोलती है, बोलना, यहाँ पे सिर्फ मेरा काम है, तू चुप कर। Just tell me what to do and shut up, यार कितना अभी तक बोल रही है यार, बेवकूफ बंदे अभी तक बोल रहे हैं, बोल लेना मुझे। अरे बोल लेना मेरे बाप। Ain't smoking nothing. चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं कह रहा था कि मैंने गाड़ी तेज नहीं चलानी, अगर मैं तेज चलाऊंगा तो मुझे डर है कि ये हुक गाड़ी से गिर जाएगी और ये मेरा मिशन फेल हो जाएगा, और मैं फिर से ये साइड मिशन नहीं करना चाहता। साइड मिशन्स आर ऑलवेज बोरिंग यार, उनका कोई पर्पस ही नहीं होता गेम में, दे जस्ट कीपिंग यू बिजी, आई डोंट नो व्हाई दे हैव साइड मिशन्स इन फकिंग गेम्स।
लाइक जो बड़ी बड़ी गेम होती है ना, ओपन वर्ल्ड गेम, जैसे फार क्राई होगी, असैसिन्स क्रीड हो गई, GTA हो गई, इनमें साइड मिशन इतने होते हैं कि आप पूछो मत। तो अभी इसको छोड़ूं कैसे? राइट, होल्ड एफ टू ड्रॉप योर व्हीकल। अभी एफ कहाँ चला गया? अरे यार एफ, अबे H, नॉट F, सॉरी भाइयों, H नॉट F। अरे यार वापस बैठ, वापस बैठ। तो H दबाऊंगा तो ये गाड़ी उतर जाएगी। एनीथिंग आई नीड, यस लव, आई विल गिव यू अ कॉल इफ आई नीड एनीथिंग। नाउ मेरी माँ, मेरा पीछा छोड़, अपना काम कर, मिशन फास्ट, पुलिंग फेवर। तो कितने मिले मुझे, पैसे बताओ यार, पैसे कितने मिले ये बताओ। यार पैसे कहाँ पता लगता है कि मिलते हैं, कितने मिलते हैं ये पता ही नहीं लग रहा। आई डोंट नो हाउ मच मनी आई गॉट, मुझे पता नहीं। तो यार ये फिर से म्यूजिक चढ़ पाला, हाथ जोड़ता, म्यूजिक बंद कर दो। तो एक्स दबाने से आप डक हो जाओगे। डक का पर्पस ये होता है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो और अगर आपको पीछे से कोई गोलियां मार रहा है, तो बचाव के लिए आप एक्स दबाओगे और वो अपना सर नीचे कर लेगा। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, अमिताभ बच्चन तेज गाड़ी चला रहा है और एकदम नीचे हो जाता है, तो गोली छू के उसको चली जाती है। मुझे पता है मैंने एक बहुत ही घटिया सा एग्जाम्पल दिया, लेकिन आप लोग समझ चुके हो कि एक्स का क्या पर्पस है। चलिए देखते हैं अभी कहाँ पे जाना है यार। एस पे चलें कि एफ पे चलें? तो एस है सिमियंस के मिशन और एफ आई बिलीव इज फ्रैंकलिन मिशन। तो हम शुरू से ही देखा जाए तो हम सारे सिमियंस के मिशन करते आ रहे हैं। तो चलिए सिमियंस के मिशन हमारा मेन एम होगा, जिसको खत्म कर दें, सिमियंस के उसका टंटा ही खत्म कर दें यार। देन वी विल गो टू एफ, विच आई बिलीव इज फ्रैंकलिन मिशन। तो चलिए अभी हम सिमियन के गैरेज में चलेंगे और देखेंगे कि क्या मिशन सिमियन ने हमारे लिए रखा हुआ है। और इन पागलों को देखो, कहते हैं कि लॉस एंजलिस के ड्राइवर बहुत अच्छे हैं। रेड लाइट आपने देखो होगा, रेड लाइट है और फिर भी अंधों की औलाद गाड़ियां बिना देखे चला रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, छोड़ते हैं उनको। सिमियन के गैरेज पर हम पहुंच चुके हैं और फॉर सम रीजन सिमियन का गैरेज अचानक से बंद है। वाओ, संडे तो नहीं है? नहीं आज संडे नहीं है। तो अजीब बात है यार, सिमियन का गैरेज बंद कैसे है यार? दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। ये बंदा मुझे कुछ खतरनाक डॉजी सा लग रहा है। दरवाजा भी बंद है, तो अभी अंदर कैसे जाना है? खिड़कियां तोड़ के जाना है, करना क्या है? इसके पंगे बड़े बड़े बंदों के साथ हैं, बड़े बड़े गैंगस्टर लोग, माफिया लोगों के साथ इसने पंगे ले रखे हैं। और ये मेरे ख्याल से एक दिन खूब पिटने वाला है। ये मेरी भविष्यवाणी, जिसे कहते हैं ना, मेरी भविष्यवाणी यही कह रही है कि इसकी मौत जल्दी आने वाली है। पूरा गैरेज खाली है और डोर इसका खुला हुआ है, एक भी गाड़ी स्टॉक में नहीं है इसके, ना बाहर ना अंदर। हुआ क्या? वेयर इज सिमियन? सिमियन, अच्छा यहाँ पे मार्कर लगाया हुआ है, तो यहाँ पे चलिए खड़े होते हैं। प्रीमियम डिलक्स मोटर स्पोर्ट्स, अगर आपको सस्ती गाड़ी चाहिए GTA 5 में, तो यहाँ पे आइए और ये बंदा आपको सॉर्ट आउट कर देगा। पहले सबसे पहले आपको खूब तरीके से खून चूसेगा और खून चूसने के बाद आपको बड़ी सी एक बेकार गाड़ी दे के आपको बोलेगा दिस इज अ बेस्ट डील, वेरी टैलेंटेड गाय। अभी क्या हो रहा है? He's already late on his payments and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him. Very interesting. Very interesting. The house is on Hampstead off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Don't worry my friend. तो अभी हमारे पास मिशन मिल चुका है कि एक बच्चे ने गाड़ी ली है, SUV गाड़ी ली है। SUV मतलब कि ऑफ रोड गाड़ी ली है, और वो अपने पेमेंट टाइम से नहीं कर रहा। तो सिमियन को शक हो रहा है कि अगर उसने पेमेंट टाइम से नहीं की तो वो गुस्से में आके गाड़ी को नुकसान पहुंचाएगा। तो हमारी पेमेंट तो दूर, हमारी गाड़ी भी हमें सही सलामत नहीं मिलेगी। तो और हमें ये जॉब मिली है कि वहाँ पर जाके गाड़ी चोरी करके वापस यहाँ पर लेके आनी है। और जो उसने एड्रेस जो बताया है ना, उसने मेरे ख्याल से बताया कि एक्लिप्स एरिया, विच इज़ अ वेरी पॉश एरिया इन GTA फॉर सम रीज़न। मैं इसके बारे में थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च की थी पहले ही। तो GTA जब मैं ऑनलाइन खेलता था, तो मेरा एक फ्लैट था एक्लिप्स एरिया में, तो बहुत ही गाइस वेरी पॉश एरिया। अगर आपके पास GTA 5 में एक्लिप्स एरिया में घर है, तो आई बिलीव यू आर ए वेरी रिच मैन। अभी क्या कह रहा है सिमियन यार? एम्प्लॉई ऑफ द मंथ,
Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside. अच्छा, समझ गया. तो सिमियन बट हमें बता रहा है कि जो पिछले मिशन में हमने ये जो बाइक चोरी की थी, जो बाइक हमने रिपोजेस की थी, तो वो लमार ने अपने लिए रख ली थी. तो आपने देखा भी होगा कि वो लमार बाइक लेके भाग गया था. तो सिमियन को पता लग चुका है और बहुत ज्यादा गुस्से में कह रहा है, हरामखोर मेरी बाइक लेके तुम चोरी कर रहे हो. तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, और उसने हमें एक टॉप टिप दी है कि घर का जो दरवाजे हैं चारों तरफ से लॉक हैं और हमें एक खिड़की से अंदर जाना है. सो पॉपअप मेन्यू भी आ चुका है. वी गॉट टू फाइंड अ वे इनटू द गैराज, टेक आउट द गार्डनर. हमें खून खराबा नहीं चाहिए. हम स्टेल्थ मोड करके हम चुपके से अंदर चले जाएंगे और किसी को पता भी नहीं लगेगा. ओह शिट, गार्डनर को पता लग गया, साले की चार आंखें. नीचे लिखा भी हुआ था यार, आपने देखा होगा, नीचे लिखा भी हुआ था टेक आउट द गार्डनर. लेकिन मैं खून खराबा नहीं चाहता, तो मैं एक बार फिर से ट्राई करूंगा और इस बार मेरा इरादे जो है छुप छुप के जाने के लिए. अगर इफ आई प्रेस कंट्रोल देन आई कैन गो इन स्टेल्थ मोड. कदमों की आहट किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए. अभी जाना कहाँ है, गैरेज में देखते हैं. ओ कैसे देख लिया, मैं आई वाज इन स्टेल्थ मोड, मैं स्टेल्थ मोड में जा रहा था, तो मुझे कैसे देख लिया साले की चार आंखें. अभी मैं संदर जाके ना सबसे पहले इसकी खोपड़ी में फोड़ूंगा. इसने बहुत पंगे ले लिए मुझसे. आजा, ये बहुत शांत पट्टी दिखा रहा है ना, ये गार्डनर नहीं अपने आप को तोप समझ रहा है, घर का मालिक समझ रहा है. तो तभी कहता हूँ ये मालियों के मुंह हम नहीं लगते. मालियों के मुंह लगना बड़ी ही बेवकूफी वाली बात है. तो चलिए, हमने We need to find a way to get into the house. Garage खुलेगा या नहीं खुलेगा? No. हमें ऊपर बताया गया है कि अपना noise level कम करो. अगर जरा सी भी किसी को भनक पड़ गई कि हम अंदर आ चुके हैं. Wow, look at the house. क्या बात है यार, क्या बात है. तो जरा से भी किसी को भनक पड़ गई कि हम अंदर आ गए हैं तो तुरंत मिशन फेल हो जाएगा. ये मेरा फोन बज रहा था, गेम खेलने भी नहीं देते यार, कितनी बारी बजेगा एक फोन. अच्छा, तो कहाँ पे था मैं? राइट. अच्छा, गाड़ी के ऊपर चढ़ के रूफ के ऊपर चढ़ना है, उसके बाद विंडोज पे चढ़ना. अभी क्या बोल रहा है, क्यों चिल्ला रहे हैं अंदर? हराम करना हो तो. अच्छा, तो ये लड़की लेफ्ट हैंड साइड से बाहर आई थी, तो इसका मतलब इस कमरे में जिमी होगा. क्या, कौन सी गेम खेल रहा है जिमी? कहाँ पे? ये बेड के ऊपर बैठा हुआ है, खुला खुला बैठा हुआ है राजा की तरह, और गेम खेल रहा है. तो वो लड़की इस रूम में गई थी और मुझे देख ना ले, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू हाइड बिहाइंड अ वॉल. छुप जा हरामखोर, छुप जा. माय ब्रदर इज अ होमो. तो आराम से बैठी हुई है, कुछ पता नहीं है कि नीचे क्या हो रहा है. तो छुप छुप के नीचे चलते हैं. मैं पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ. आई एम जस्ट काइंड ऑफ गेसिंग दैट आई एम गोइंग द राइट वे. ये क्या हो रहा सामने? ओए होए, ये क्या कर रहे हैं? ओह शिट यार, मुझे देख लिया. प्लीज मिशन फेल मत करना. नहीं, मिशन फेल मत करना, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ. नहीं, मैंने देखा फ्रैंकलिन, तूने बताया कि चुप करो, मैं जा रहा हूँ, लेकिन वो बात मानते ही नहीं है. चलो कोई बात नहीं फ्रैंकलिन, तू टेंशन मत ले, अभी हम इस बार ही कर लेंगे. राइट, छुप के जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो पागल का बच्चा गेम खेल रहा है और ये बेड पे लेटी हुई है, इसका मुंह भी दीवार की तरफ है, तो वो मुझे देख लें इट इज इम्पॉसिबल. तो अभी हम दीवार के पीछे छुपते हैं और वी गोना यूज स्टेल्थ मोड. तो कंट्रोल प्लस प्लस कंट्रोल प्रेस करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे. ये मौका सही रहेगा, तुम अपनी ऐश करो. तो ये ट्रेनर है, पता नहीं किसकी वाइफ के साथ वो पंगे ले रहा है. तो ये वो गाड़ी जो हमें लूटनी है. दिस इज अ वेरी इजी जॉब. गैरेज का डोर खुल चुका है, तो चलिए गाड़ी लेके चलते हैं सिमियन के पास. सब कुछ ऑटोमेटिकली खुल रहा है, अली बाबा चाली चोर के दरवाजों की तरह. तो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग. अभी क्यों फोन कर रहा है सिमियन? व्हाट डू यू वांट? Hey Simeon, I got the ride, man. अच्छा, मैंने फोन किया सिमियन को, सॉरी. If you actually bring the repossession to me this time, I can have it. अरे कोई बात नहीं सिमियन, तुम टेंशन मत ले यार, माजरा हमारे हाथ में है. लास्ट टाइम तो मेरे भाई लमार ने गाड़ी चोरी कर ली थी तेरी, वो बाइक ग्रीन कलर की. लेकिन तू टेंशन मत कर, इस बारी मैं गाड़ी खुद तेरे लिए लेके आऊंगा. तो ये हमारी गाड़ी में कौन है? Just keep driving. Oh.
I am. Keep it calm. I am driving quietly. Just keep it calm. गोली मत चला दियो भाई मेरे, गोली मत चला दियो, मेरी खोपड़ी बहुत नाजुक है यार. I don't work for credit fraud. I just work the fucking repo. Yes. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day. गोली मत चलाइए भाई मेरे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, गोली मत चला. मैं गाड़ी ठोक देनी है मैंने तेरी, मुझे पता है ये गाड़ी तेरी है और तेरा बेटा लेके गया था. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. अबे हट जाओ यार, टैक्सी वाले कहाँ पे जा रहे हो, हट जाओ यार, यहाँ मेरी जान पे आ गई है और तुम मेरे सामने आ रहे हो. अभी क्या करना है? Hey man, it's Jess up here. Okay, stop the car. Stop the car. Oh shit. Pull up. Pull up. कहाँ पे pull up करूँ? Yellow marker कहाँ पे है? ये रहा. Right, you gonna pull up right here? Yeah, this the place, man. Oh, drive into. नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, मेरा बॉस है यार. I was employee of the month. अभी उसने मुझे इसी महीने employee of the month बनाया और तू कह रहा है गाड़ी चला के उसका शीशा तोड़ दे, मरवाएगा मेरे बाप, मरवाएगा. अगर मैं गाड़ी ना चलाऊं तो ये मुझे मार देगा, अगर मैं गाड़ी चलाऊं तो वो मुझे मार देगा, दोनों तरफ मरना ही है. तो चलो खींचते हैं गाड़ी और तोड़ दो शीशे उसके. सेमियन, मैंने बोला था तूने पंगे लिए बड़े बड़े लोगों के साथ, पंगे मत ले, पंगे मत लिया कर इतने सारे बड़े बड़े गैंगस्टर के साथ. कोई बात नहीं, गाड़ी है, पैसा है, फिर से कमा लेगा, जिंदगी बची तो फिर से कमा लेगा, पागल इंसान. अब ले, झेल इसको, मैं जा रहा हूँ. राइट, आई एम प्लेइंग नाउ एज माइकल, आई बिलीव इसका नाम माइकल है. मार इसको, इसकी यही सजा है, इसने बड़े बंदों का खून चूसा, अब तू इसका खून चूस. Yes, he does. Oh no, shit. Oh fuck. Sorry guys, मैंने गलती से क्लिक कर दिया अपने माउस पर. तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये सारा सिनेमैटिक स्किप हो जाता है. तो चलिए कोई बात नहीं, मिशन कॉम्प्लिकेशंस हैज बीन सक्सेसफुली पास्ड. वाओ, तो नाउ वी आर प्लेइंग एज माइकल. तो मुझे पता नहीं मैं फ्रैंकलिन कैसे बनूं. तो अगर मैं ऑल्ट दबाता हूं, जहां तक कि मेरा ख्याल है, तो अगर मैं ऑल दबाता हूँ तो फ्रैंकलिन के साथ से मैं खेल सकता हूँ. व्हाट द फक, दिस गेम इज अमेजिंग यार. अब दो बंदों के साथ खेल सकते हो, तो तीसरा बंदा जो है वो ऑनलाइन बंदा. अगर मैं वहाँ पे उसको सेलेक्ट करूँगा तो मेरी गेम ऑटोमेटिकली ऑनलाइन पर चली जाएगी. चलिए कोई बात नहीं, तो यहीं पर मैं गेम एंड करता हूँ. तो अगले एपिसोड में हम शुरू करेंगे कि फ्रैंकलिन कौन कौन से मिशन करेगा. तो भाइयों, दैट्स ऑल आई गॉट फॉर दिस वीडियो. I hope you like in my series. If you really like my series, अगर आपको मेरी series बहुत पसंद आ रही है तो please like और subscribe करना मत भूलिएगा. That's all I got for this video. I'll see you guys in the next video. Take care, everyone.